चलिए खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की ही, जहां पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। यूपीए की अगर उपचुनाव की बात करें तो महिला प्रत्याशी उतार सकती है कांग्रेस। ईडी गठबंधन के तहत सपा से कांग्रेस को मिली हैं 2 सीटें। अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस उतारेगी प्रत्याशी। अलीगढ़ से चारू कैन को मिल सकता है मौका। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर डोली शर्मा को मिल सकता है मौका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं, जिसमें इस पूरे गठबंधन की अगर बात करें इसमें से खैर सीट है और दूसरी है गाजियाबाद। और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से इस बार जो प्रत्याशी हो सकती है वो महिला प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि गाजियाबाद से डोली शर्मा को मिल सकता है मौका। तो उपचुनाव की तैयारी में पूरे तरीके से कांग्रेस भी जुट चुकी है। पहले कांग्रेस ने करीब 4 सीटों की मांग की थी और ऐसे में अब आखिरकार 2 सीटों पर सहमति बनी है इंडी गठबंधन में, और ऐसे में वो 2 सीटें हैं अलीगढ़ की खैर सीट और दूसरी है गाजियाबाद की सीट, और दोनों ही सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। तो अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस उतारेगी यहाँ पर महिला प्रत्याशी, जिसमें से अलीगढ़ से चारू कैन को मिल सकता है मौका, और दूसरी अगर बात करें तो गाजियाबाद से डोली शर्मा को यहां पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो सीधे तौर पर दोनों महिलाएं प्रत्याशी यहां पर कांग्रेस की तरफ से उतारी जा सकती हैं। उपचुनाव की तैयारी में पूरे तरीके से कांग्रेस जुट चुकी है, और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि अब चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में उपचुनाव पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी भी सीटें हैं पूरे तरीके से, जैसे कि लोकसभा सीट में हमारी सीटें बढ़ी हैं, वैसे ही एक बार फिर से इस चुनाव में जनता हमारे साथ रहेगी और जनता का विश्वास हम पर एक बार फिर से कायम होगा। और जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में गई है उन मुद्दों को अब आखिरकार जनता जान चुकी है, ऐसे तमाम जो बयान है वो अखिलेश यादव की तरफ से सामने आए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई हैं और बाकी सीटों पर खुद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी इस दौरान खड़े किए हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो 2 सीटें दी हैं इस पर कांग्रेस क्या पूरे तरीके से अपनी साख जमा पाती है। ऐसे में क्योंकि बीजेपी पूरी की जितनी भी सीटों पर चुनाव होना है उन सभी सीटों पर सीधे तौर पर कह रही है कि ये सारी सीटें इस बार बीजेपी के हक में आएंगी, और बीजेपी ने काम किया है और काम के बल पर बीजेपी पूरे तरीके से दावे भी कर रही है। ऐसे में क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी पूरे दमखम के साथ, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी हर एक मुद्दे को उठा रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है।